पुंछ जिला के कलसा इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए युवक के परिजनों के पास पहुंचे जिला विकास आयुक्त, जहां उन्होंने परिजनों का दुख साझा किया। वहीं 1 लाख रुपए की राहत राशि देते हुए आश्वासन दिलाया कि प्रशासन उनकी हर संभव सहायता करेगा। नहीं, अंदर ही थे ना सर, मकान के अंदर ही घुसे, ये बाहर था, मतलब घर के बाहर था। खाना खा के औरतें जो है अपने घर में वापस आ गई थी। लड़के की मम्मी ने बोला अखलाक घर चलते हैं, मम्मी तुम चल, मैं आ गया। जैसे ये निकला 11 बजे की बात है। आप देखो, हमें भी बड़ा दुख है इस बात का जो कि उनकी जान चली गई, लेकिन अब जितना हमसे हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। एक तो आज हम आपको ये चेक दे रहे हैं 1 लाख रुपए का, लेकिन इसके बाद भी आपकी फाइल जो है तैयार होगी और आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी मदद दी जाती है, इसमें 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। बाकी तो पढ़ा लिखा है आपकी फैमिली में? सर 2 बच्चे और, एक 8वीं पढ़ता है, एक 5वीं पास करके मैं छोड़ ही गया। 2 साल इंतज़ार करें, 10वीं पास कर ले तो उसके बाद भी हम इसमें एलिजिबिलिटी, जब वो अटेंड करेगा तो उसको नौकरी दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं या तो 4 लाख रुपये देंगे या नौकरी देंगे, दोनों आपकी मर्जी है, जो भी आप लेना चाहिए। ठीक है, आप सलाह कर लें घर में, हमें बता दें। अगर आप कहते हैं कि उसको नौकरी देनी है अभी, लेकिन वो आज की डेट में एलिजिबल नहीं है, मतलब वो नौकरी के काबिल होगा 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास करेगा उसके बाद फिर नौकरी में एडजस्ट होगा, लेकिन तब तक उसका केस रहेगा। उसका जो केस बना के रखेंगे हम, उसका GED से प्रोसेस करवा लेंगे। तो अब आपकी मर्जी है कि आप, ये चेक है शख्स की हलाकत हो गई, मोहम्मद इखलाक सन ऑफ मोहम्मद सदीक। तो इस सिलसिले में 1 लाख रुपए का जो रिलीफ है उनको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा मजीद जो उनको अंडर नॉर्म्स जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बहुत जल्दी, वेरी शॉर्टली वो फाइनेंशियल असिस्टेंस।